السلام علیکم ناظرین آداب، استقبال ہے آپ کا، سواگت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراشٹر انڈیا سے۔ میں آپ کا میزبان کلیم قریشی۔ آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر۔ ناظرین آپ کو بتا دے کہ کل 8 دسمبر ککو پربھنی ضلع کے تمام 9 تعلقوں میں کہیں پر بھی کسی قسم کی کوئی پابندی پربھنی ضلع پرشاسن نے نہیں لگائی ہے۔ کل 8 دسمبر کو بھی پورے ضلع کا مارکیٹ کھلا رہے گا، وہ تمام دکانیں تمام کاروبار کھلے رہیں گے جن کو پہلے سے کھلا رکھنے کا آدیش دیا گیا تھا۔ تو کل ملا کر کل 8 دسمبر کو بھی پورے ضلع کا مارکیٹ کھلا رہے گا صبح 9 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے تک۔ मी परभणी जिल्ह्यातील सर्व पक्षकारांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत अशी कळकळीची विनंती करतो की दिनांक 12 डिसेंबर 2020 रोजी परभणी जिल्हा न्यायालय येथे होणाऱ्या लोकन्यायालयामध्ये जास्तीत जास्त प्रकरणांचा निपटारा करून राष्ट्रीय कार्यामध्ये सहभागी व्हावे। धन्यवाद। आइए नाजरीन डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नजर। दूसरी अहम खबर, कल 8 दिसंबर को भारत बंद का जो नारा तमाम ही किसान संगठनों की तरफ से दिया गया था, तो कल 8 दिसंबर को जो देश का अन्नदाता किसान है उन किसान की परेशानियों को लेकर जो धरने आंदोलन पिछले 12 दिनों से, आज 12 दिन हो चुके हैं जो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं और लगभग कुल मिलाकर पूरे देश भर के किसान वहाँ पर जमा हो रहे हैं, जिसमें तो 15 स्टेट के किसानों ने अपना वहां पर विरोध दर्ज किया है और 15 स्टेट के किसान वहां पर पहुंच रहे हैं और उसी के साथ कुल मिलाकर 20 पार्टियों ने भी इसमें अपना विरोध में सहभाग दिया है, जिसमें महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र ने भी अपना पूरा सहयोग इस बंद में दिया है। और इसमें जैसे कि महाविकास आघाड़ी के तीनों ही पार्टियाँ, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, तीनों पार्टियों ने ही अपना सपोर्ट किसान संगठनों को दिया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 8 दिसंबर को महाराष्ट्र की तमाम ही एपीएमसी के तमाम ही मार्केट कमेटी, इन्होंने अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट किसान संगठनों के बंद में दिया है, जिसके चलते पूरे महाराष्ट्र के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे एपीएमसी मार्केट कहा जाता है, कृषि उत्पन्न बाज़ार समिति कहते हैं, वो तमाम मार्केट पूरे महाराष्ट्र के बंद रहेंगे। तो वहीं पर परभणी की अगर बात की जाए तो परभणी में भी आज एक पत्रकार परिषद के ज़रिए परभणी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडू यादव साहब ने और उन्हीं के साथ में पाथरी विधानसभा से कांग्रेस के मौजूदा आमदार सुरेश रावजी वरपुरकर साहब और उनके साथ तमाम ही नेताओं ने आज एक प्रेस नोट के ज़रिए बताया है कि कल के 8 दिसंबर के बंद में अपनी खुशी से अपने दुकानें, अपने कारोबार बंद रखे जाए, ताकि जो अन्नदाता किसान है उनके ऊपर जो इस वक्त हालात आए हुए हैं उनको अपना सपोर्ट दिया जा सके, ताकि जो काले कानूनों का विरोध किसान कर रहा है उसमें हम अपना भी पूरा सपोर्ट किसानों को दे। ऐसी अपील परभणी के लोकसभा खासदार संजय उर्फ बंडू यादव, आमदार सुरेश रावजी वरपुरकर और उनके साथ तमाम ही नेताओं ने परभणी ज़िले की जनता से की है। तो कल 8 दिसंबर का जो भारत बंद बुलाया गया है तमाम ही किसान संगठनों की तरफ से, तो ये परभणी में इस तरह से रहेगा कि बड़ी अपनी ही खुशी से अगर आप अपनी दुकानें, अपने कारोबार बंद रखते हैं तो ये किसानों के लिए, उनके लिए एक मदद होगी, उनको एक सपोर्ट होगा परभणी की जनता का। इसमें किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रहेगी, अपनी खुशी से सपोर्ट करने के लिए अपील तमाम ही नेताओं ने यहां पर की है। तो वहीं पर अगर 7/12 के धनी किसान को अगर बचाना है तो 8/12 यानी कि कल 8 तारीख 12 दिसंबर को, कल 8/12 को अपनी खुशी से अपने दुकान कारोबार बंद रख कर किसान को सपोर्ट करें। ऐसी अपील परभणी के तमाम ही नेताओं ने की है। आइए नाजरीन डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, परभणी महानगर पालिका के प्रभाग 16 में आज 7 दिसंबर सुबह 10 बजे के करीब में डांबरीकरण रोड का काम का आज वहां पर उद्घाटन हुआ। और आपको बता दें कि इस डांबरीकरण रोड का जो निधि है वो परभणी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडू यादव, इनके स्थानिक निधि में से दिया गया है और ये प्रभाग 16 में एक रोड का डांबरीकरण किया जा रहा है। तो आज इस रोड के उद्घाटन समारोह में परभणी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तथा पाथरी विधानसभा से मौजूदा आमदार सुरेश रावजी वरपुरकर साहब, इनके हाथों से किया गया। तो उन्हीं के साथ में
परभणी महानगरपालिका के उपमहापौर भगवानराव जी वाघमारे साहब भी मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में प्रभाग 16 के कॉरपोरेटर, शिवसेना से कॉरपोरेटर विजय सिंह ठाकुर साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में मानिक भाऊ, अशोक गवाने, कॉन्ट्रैक्टर मुरली खुबसे और प्रभाग 16 के तमाम ही नागरिक आज इस डामरीकरण रोड के उद्घाटन समारोह में मौजूद थे। आइए नाजरीन डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नजर। चौथी अहम खबर, परभणी के एसपी जयंत मीना साहब और एडिशनल एसपी मुमका सुदर्शन साहब, इन्होंने जो एसपी पथक के नाम से एक पथक का गठन किया है, उस पथक की कल 6 दिसंबर शाम में बड़ी कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई मानवा तालुके के रामेटाकली गांव में की गई। वहां पर एक हाई प्रोफाइल जुए का अड्डा चलाया जा रहा था, वहां पर एसपी पथक ने रेड की और कुल मिलाकर 12,49,720 रुपये का मुद्देमाल बरामद किया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि एसपी पथक के फौजदार चंद्रकांत पवार साहब, फौजदार विश्वास खोले और पुलिस जवान अजहर पटेल, राहुल चिंचाने, शंकर गायकवाड़, नीलेश केंद्रे, दीपक मोदीराज, नीलेश भुजबल, यशवंत वाघमारे, इस टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की जिसमें 12,49,720 रुपये का मुद्देमाल बरामद किया गया। उसी के साथ 6 दिसंबर परभणी एलसीबी पथक ने जिंतूर रोड पर स्थित जाम नाका, जहां पर दरगाह रोड की कमान के पास रोड पर खड़े होकर एक शख्स मटका ले रहा था, जो जुए की एक अलग तरीके से जुआ ही है मटका, वो लेता हुआ रंगे हाथ पकड़ा गया। एलसीबी पथक ने जब मालूमात ली तो इस शख्स ने अपना नाम सतीश फटके बताया और उसने ये भी बताया कि ये मटका वो आगे अखिल मनियार नाम के एक शख्स को ट्रांसफ़र कर देता था। तो वहीं पर एलसीबी पथक ने 1,14,640 रुपये का मुद्देमाल बरामद किया। एलसीबी की इस कार्रवाई में सहायक पुलिस निरीक्षक वेंकटेश आलेवार साहब, इनके मार्गदर्शकता में हनुमंत जक्केवाड़, दिलावर खान, मधुकर चट्टे, अजहर पटेल, बाड़ा साहब, तुप समिंद्रे, शेख मुबीन, इस पथक ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हनुमंत जक्केवाड़ की फरियाद पर कोतवाली पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल कर दिया गया है और अरेस्ट आरोपी और मुद्देमाल के साथ कोतवाली पुलिस स्टेशन को इस केस को हैंडओवर कर दिया गया। आइए नाजरीन डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर, परभणी महानगर पालिका का मनमाना जो रेट लगाया जा रहा है, आने वाले 10 दिसंबर को परभणी महानगर पालिका हद में आने वाले तमाम ही स्कूल और कॉलेज, जिसमें 10वीं क्लास और 12वीं क्लास को 10 दिसंबर से चालू किया जाने वाला है और उसका आदेश भी जिलाधिकारी साहब ने दे दिया है, लेकिन कुछ SOPs और गाइडलाइन बताई गई है जिसमें स्कूल और कॉलेज के तमाम ही क्लासरूम को पहले सैनिटाइज करना ज़रूरी होगा। तो उसको सैनिटाइज करने के लिए परभणी महानगर पालिका ने एक समिति का गठन किया है और एक पथक बनाया है। उस पथक के ज़रिए उन तमाम स्कूल कॉलेजेस के 10वीं और 12वीं के क्लासरूम को सैनिटाइज किया जाएगा, लेकिन इसमें जो रेट रखा गया है सैनिटाइज करने का, वो एक स्क्वायर फिट के लिए 1 रुपया ऐसे रखा गया है। तो एक अगर क्लासरूम का सैनिटाइज़र पूरी तरीके से करना है तो उसको 400 रुपये खर्च परभणी महानगर पालिका को देना होगा, उसका बिल 400 रुपये का परभणी महानगर पालिका को देना होगा। तो कुल मिलाकर पूरे क्लासरूमों की अगर सैनिटाइज़र करने का अगर पूरा रेट निकाला जाए तो 25 से 30 हज़ार रुपये हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा है और उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं तमाम ही स्कूल कॉलेज के संस्था चालक, इनके तरफ से नाराज़गी जाहिर की जा रही है। वहीं परभणी महानगर पालिका के इस मनमाना रेट को कम किया जाए और एक वाजिब रेट और एक वाजिब बिल लिया जाए एक क्लासरूम को सैनिटाइज करने का, ऐसी अपील महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था के सेक्रेटरी साबिका आमदार एडवोकेट विजय गवाने साहब, इन्होंने की है। आइए नाजरीन डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं, तो आज का 7 दिसंबर का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि कुल मिलाकर पूरे परभणी ज़िले में अब तक 73,451 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे और इनमें से जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है ऐसे लोगों की तादाद 65,792 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभणी में अब तक कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद 7,273 पहुंच चुकी है। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं पूरी तरह से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 6,834 बताई जा रही है। तो वहीं पर
पूरे परभणी जिले में अब तक कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट की तादाद 291 बनी हुई है। तो वहीं पर अगर 7 दिसंबर आज के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट की तादाद ज़्यादा है, 23 पेशेंट को आज डिस्चार्ज मिला है। तो वहीं पर पूरे परभणी ज़िले में 8 नए कोरोना के मरीज़ पाए गए हैं और अच्छी खबर यह है कि एक भी पेशेंट की मौत पूरे परभणी ज़िले में आज 7 दिसंबर को नहीं हुई है। तो ये आज 7 दिसंबर का मेडिकल बुलेटिन था जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभणी ज़िला प्रशासन और ख़ासतौर पर परभणी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभणी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो मुहिम 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन, आरोग्य विभाग, जिला परिषद, जिला प्रशासन चला रहा है, उस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दीजिए। घर से निकलते समय मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर रखें, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभणी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके, और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभणी अपडेट न्यूज़।